Hey, y'all, come look at this. एक बार एक कर्मचारी अपने बॉस को फोन लगाता है और बोलता है कि बॉस मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, बीबी के साथ घूमने जाना है। तो उसका बॉस बोलता है कि नहीं, मैं तुमको 5 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। एम्प्लॉई इतना खुशी होता है और बोलता है कि मैं जानता था बॉस, आप मेरा मुसीबत में साथ जरूर देंगे। तो गाइस आ गए आप सभी लोग, गाइस आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ही बगल वाला बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आप लोग को बहुत ही शानदार और यूनिक सा कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस आज की जो वीडियो होगी आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझिएगा कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। ठीक है, वैसा करेंगे जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा। गाइस हम लोग करने वाले गाइस कि हम लोग लेंगे एक अरबी ज्वाल लेंगे और गाइस ले लेंगे एक टिश्यू पेपर और गाइस बारी बारी से दोनों के ऊपर चढ़ाएंगे कार और देखेंगे गाइस जब अरबी ज्वाल के ऊपर चढ़ती कार तो क्या होता है और गाइस देखेंगे जब टिश्यू पेपर के ऊपर चढ़ती कार तो क्या होता है। गाइस टिश्यू पेपर लेते ही आप लोग के दिमाग में आता है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि टिश्यू पेपर जो होता है उसका मतलब होता है यानी कि मुलायम कागज, वही कागज जिसका उपयोग हम लोग हाथ को पोंछने के लिए करते हैं। गाइस टिश्यू पेपर की वजह से पानी का उपयोग कम होता है, यानी गाइस आप लोग जो हाथ धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर आप लोग टिश्यू पेपर का उपयोग कर सकते हैं हाथ को पोंछने के लिए। आपको एक मजेदार बात बताऊं, आप अगर गाइस आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट टिश्यू पेपर इन वर्ल्ड तो गाइस आप लोगों को सबसे पहले इमेज में पाकिस्तान का, यानी गाइस सोच लीजिए पाकिस्तान कैसा है, टॉयलेट पेपर जैसा है। तो गाइस आप लोग समझ जाएंगे पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान की औकात गाइस एक टॉयलेट पेपर के बराबर है, आप लोग गूगल पर देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग इस वीडियो में क्या करने लगे गाइस कि हम लोग ले लेंगे एक टिश्यू पेपर फिर उसके आएंगे कार को, जब टिश्यू पेपर के ऊपर कार चढ़ती है तब क्या होता है। तो गाइस बन रहे वीडियो में चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा जब मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर कार को चढ़ाया तो टिश्यू पेपर दब जाता है, कोई खास रिएक्शन नहीं होता है। तो गाइस अब हम लोग लेंगे आरबीज बाल को, गाइस वही आरबीज बोतल जो जिसके साथ हमने बचपन में बहुत खेला है। गाइस हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग एक शीशे वाली बोतल लेते थे सफेद पारदर्शी माध्यम हो उसमें पानी भरकर आरबीज बाल को उसमें डाल देते कि सुबह बड़ा होने पर कैसा रिएक्शन। आरबीज बाल को कार के टायर के नीचे रखेंगे और देखेंगे इसके ऊपर कार चढ़ती है तब क्या होता है। तो गाइस देखिए जब मैंने आरबीज बाल के ऊपर कार को चढ़ाया तो क्या हुआ। देख रहे हैं गाइस कैसे फूट रही है आरबीज बाल। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा जब मैंने आरबीज बाल के ऊपर कार को चढ़ाया तो कार जो है उसके ऊपर चढ़ती है और कुछ आरबीज बाल होती है फट जाती है, कुछ आरबीज बाल उसके पहिए से निकलकर दूर चली जाती है और कुछ बच जाती है, लेकिन गाइस कोई खास यानी कि विस्फोटक वाला रिएक्शन नहीं हुआ। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का ज्ञान यह कि कुछ पाप भी कर लिया करो वरना बुढ़ापे में तीर्थ स्थान भी अगर धोगे क्या कच्चे। I got broads in the land, just to lean the fan, credit cards in the scams.